हेलो स्टूडेंट्स तो एक बार आपका फिर से स्वागत है बेस साइंस फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पर आज हम नंबर सिस्टम का अपना सिक्स लेक्चर डिस्कस करेंगे डिबीजल्टी रूल ठीक है अभी तक हमारे फाइव लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं ठीक है तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिबीजल्टी रूल के रूल को अच्छा अगर इस टॉपिक की बात करूँ तो टॉपिक हमारे स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है मतलब तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और कॉम्पसेंट्री भी इंपॉर्टेंट है ही ये टॉपिक ठीक है तो देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं तो इसमें एक बड़ा सा नंबर आपको दिया जाएगा अब नंबर कैसा हो सकता है कि हो सकता है सिंपल आपको नंबर ही दे दें दे, चार नंबर दे दें दे, और पूछेंगे कौन सा नंबर वन थर्टी टू से डिबल होगा ठीक है या फिर जो जनरली जिस तरह क्वेश्चन इसमें आते हैं तो आपको एक नंबर दे, दे देंगे जैसे टू फाइव नाइन एट यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ वाई लिख दे है ना एक्स वाई और यहाँ पर फोर लिख देता हूँ अब मैंने बुलाया ये नंबर एटी एट से डिबल है ठीक है तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी जहाँ एक्स वाई क्या है डिजिट्स हैं है ना तो कैसे बताओगे तो आपको लिए आपको पता होना चाहिए अब एट्टी से डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा लेकिन आपको पता है कि एट्टी से डिबिलिटी रूल क्या होता है तो इस क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिबीजलिटी रूल ठीक है उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिलिटी रूल अब देखो डिविजिलिटी रूल पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जितने प्राइम नंबर है ठीक है हमें मेन किससे पढ़ना है डिविजिलिटी रूल फ्राम फॉर प्राइम नंबर्स उसी से हम ड्राइव करेंगे कंपोज नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे ठीक है कम्पोज नंबर से डिबिलिटी के रूल क्या होना चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे फर्स्ट सबसे पहले आता है डिविजिलिटी रूल ऑफ टू सारे बच्चों को पता होगा कि ऑल इवन नंबर डि टू होते हैं ठीक है तो पहला रूल हमारा है डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी सॉरी रूल ऑफ टू तो मुझे लिखने जरूरी मैक्सिम बच्चों को पता होगा मैक्सिम के सारे बच्चों को पता होगा कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे टू से डिबेल होते हैं तो आप लोग तो खुद से लिख सकते हैं ऑल इवन नंबर ठीक है चलिए हम बात करते हैं रूल ऑफ थ्री की तो थ्री का डिबिल रूल क्या होता है अगर देखिए किसी नंबर का सम थ्री से डिबिल है तो तो वो नंबर भी थ्री से डबल होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपसे सिक्स फोर टू एट वन क्या ये नंबर थ्री सेड होगा तो आपने देखा छः चार दस है ना डिजिट का हम सम करेंगे जो इसके डिजिट्स हैं तो छः चार दस होता है दस और दो बारह बारह और आठ बीस और एक इक्कीस है ना तो यहाँ पर हमें जो सम मिला वो इक्कीस मिला तो क्या इक्कीस थ्री सी डबल है हाँ इक्कीस थ्री सी डबल है तो, तो अगर इक्कीस थ्री सी डबल है तो नंबर भी थ्री सी डबल होगा अब बात आती है ऐसा होता क्यों है ठीक है अगर सम ऑफ डिजिट्स थ्री सी डबल है तो वो नंबर थ्री सी डबल होगा ऐसा क्यों होता है तो देखो इसको कैसे चेक कर सकते हैं तो पहले तो इसका रूल लिख देता हूँ हम बोर्ड पर If sum of digits, if sum of digits of a number divisible by three, then number is डिजेड बाय थ्री अब आप, आप लोग खुद से लिख लीजिए ठीक है अब इसको ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं हम लोग देखो कोई भी नंबर है जैसे नंबर हम बात करें मैं थ्री का नंबर ले लेता हूं ए बी सी हमें प्रूव करना है अगर ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी अगर ए प्लस बी प्लस सी थ्री सी डेबल है तो नंबर भी थ्री सी डेबल होगा ठीक है अब देखो कैसे करेंगे अगर हम इनको देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी ठीक है आप लोग ऑलरेडी छोटी क्लासेस पढ़ चुके हैं नंबर को ऐसे लिख सकते हैं हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी अच्छा देखिए अब यहां पर नाइनटी नाइन ए प्लस नाइन बी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ए बी सी को मैं अलग कर देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी को मैं ऐसे लिख देता हूँ समझ में आया पहले तो मैंने इसको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया कि यूनिट प्लेस क्या है सी यानी सी इन टू वन टेंस प्लेस क्या है बी यानी टेन इंटू बी हंड्रेड प्लेस क्या है सी हंड्रेड प्लेस क्या है ए तो हंड्रेड इंटू ए अब इसमें मैंने क्या किया इसको ऐसे लिख दिया नाइनटी नाइन हंड्रेड को लिख दिया नाइन्टी नाइन ए प्लस ए अब इसको ऐसा क्यों लिखा वो अभी समझ में आ जाएगा टेन बी को लिख, लिख लिया नाइन बी प्लस बी पर नाइनटी नाइन ए प्लस 9b a नंबर ऑलरेडी थ्री का मल्टीपल होगा क्यों मल्टीपल होगा क्योंकि का मल्टीपल है अभी कुछ भी हो वन हो टू हो थ्री हो अगर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो थ्री का मल्टीपल ही मिलेगा क्यों मिलेगा थ्री का मल्टीपल क्योंकि नाइनटी नाइन थ्री का मल्टीपल है ठीक है दूसरा नाइन बी नाइन बी भी थ्री का मल्टीपल है अगर नाइन बी थ्री का मल्टीपल है तो बी की वैल्यू कुछ भी ले लो कोई भी डिजिट ले लो बी आप किसी भी डिजिट को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर थ्री का मल्टीपल ही होगा ठीक तो है तो अगर ये दोनों नंबर थ्री के मल्टीपल हैं अगर ये भी थ्री का मल्टीपल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑल जो पूरा ये नंबर है ये थ्री का मल्टीपल होना चाहिए तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर ये समिज्स ए प्लस बी प्लस सी अगर थ्री से डिबल है तो नंबर भी थ्री से डिबल होगा ठीक है अच्छा चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर ठीक है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर ठीक है थ्री का हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर अब फोर के लिए रूल क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय फोर है तो वो नंबर भी फोर से डिविजिबल होगा ठीक है इफ इफ लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट ऑफ अंबर इज आप खुद से लिख लीजिए इज डिब बाय फोर द नंबर इज डिबल बाय फोर ठीक है अब इसको इसको भी चेक कर लेते हैं चलो तो मैं फोर डिजिट का एक नंबर ले लेता हूँ ए बी सी डी ठीक है नंबर हमारे पास कोई जहाँ ए बी सी डी क्या है डिजिट्स हैं ठीक है अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन थाउजेंड इंटू ए यूनिट प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस थाउजेंड प्लेस तो वन थाउजेंड इंटू ए एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हंड्रेड इंटू बी इसको लिख सकते हैं टेन इंटू सी प्लस डी अब देखो थाउजेंड ए जो है वो फोर का मल्टीपल है क्यों मल्टीपल है क्योंकि थाउजेंड फोर का मल्टीपल है इस तरह से हंड्रेड बी फोर का मल्टीपल है क्यों मल्टीपल है क्योंकि हंड्रेड फोर का मल्टीपल है तो अगर टेन सी प्लस डी अब टेन तो फोर का मल्टीपल नहीं है है ना तो टेन सी प्लस डी यानी सी की कोई हमें ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो फोर का मल्टीपल हो ठीक तो है तो टेन सी प्लस डी अगर फोर से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर फोर से डिविजिबल होगा इसलिए बोलते हैं लास्ट टू डिजिट देखो ना तो हमें थाउजेंड हंड्रेड प्लेस को देखना है ना ही थाउजेंड प्लेस को देखना है क्योंकि वहाँ से जो हमें मिल रहा है जो है हंड्रेड बी थाउजेंड ऑलरेडी फोर के मल्टीपल है केवल दिक्कत हम इन दो, इन दो से अगर ये दोनों डिजिट फोर का मल्टीपल हो गया Sorry, गलत सम नहीं अगर अगर इन दोनों से मिलकर जो number मन रहा है वो 4 का multiple है वो का जैसे फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी टू तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं फिफ्टी प्लस टू ठीक है अब मैं फिफ्टी को अगर फोर से डिवाइड करूंगा टू रिमाइंडर मिलेगा टू को अगर फोर से डिवाइड करूंगा तो टू रिमाइंडर मिलेगा प्लस टू मिलके फोर हो जाएगा और वो जाएगा फोर से डिवाइड हो जाएगा इसलिए बोलते हैं लास्ट टू डिजिट रूल ऑफ फाइव की देखिए फाइव का रूल बहुत सिंपल है ब, बच्चों पता भी होगा, अगर लास्ट या तो फाइव है या जीरो है तो नंबर वो क्या होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं सिक्स पर अब देखो सिक्स एक कंपोजिट नंबर है ठीक है सिक्स एक कंपोजिट नंबर है ठीक है वैसे तो फोर भी कंपोजिट नंबर था लेकिन फोर के रूल रू है लास्ट टू डिजिट डिविजन बाय फोर होनी चाहिए ठीक है जो लास्ट टू डिजेट बनने वाला नंबर है वो डिविजन बाई फोर होना चाहिए अब सिक्स के लिए कोई वैसा रूल नहीं है ठीक है सिक्स के लिए रूल हम देखो कैसे निकालेंगे सिक्स को हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री के फॉर्म में टू इंटू थ्री के फॉर्म में अब इसमें दोनों को रूल लगा दीजिए दोनों के रूल का मतलब क्या है कि

सम ऑफ डिजिट्स सॉरी दो का रूल क्या होता है सम क्या होना चाहिए उसका जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका इवन होना चाहिए और थ्री का रूल क्या होता है सम ऑफ डिजिट्स डिवल बाय थ्री होना चाहिए अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो नंबर सिक्स डिबल होगा अब अगर सेवन की बात करें तो सेवन का रूल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ठीक है इसलिए हम सेवन के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं लगाएंगे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सेवन का रूल होता है ए माइनस टू बी ठीक है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रूल नहीं है अब यहाँ पर बी क्या होता है बी होता है यहाँ पर यूनिट प्लेस या ना यूनिट डिजिट बोल दीजिए यूनिट प्लेस बोल दीजिए तो यूनिट प्लेस ठीक है सेवन की बात कर रहे हैं हम इसकी रूल है ए माइनस टू बी और ये क्या है यहाँ पर रेमैन नंबर है जो भी नंबर आपको बचा वो ए है इससे चेक करेंगे अगर ए माइनस टू बी ए माइनस टू बी सेवन से डिपल है तो नंबर b सेवन से डिपल होगा ठीक है रेमैन नंबर अब देखो कैसे चेक करेंगे जैसे मैंने बोला फाइव थ्री टू बताओ नंबर सेवन से डिवल होगा कि नहीं होगा तो अगर सेवन से आप डिवाइड करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है ठीक है वैसे हम इस रूल से कैसे निकालेंगे फिफ्टी थ्री में से अब टू का डबल टू का डबल यानी ए माइनस टू बी यूनिट प्लेस का डबल रिमेंस नंबर में से माइनस कर दीजिए तो फिफ्टी थ्री में से मैंने फोर माइनस कर दिया मुझे क्या मिला फोर्टी नाइन और फॉर्टी नाइन हमें पता है सेवन से डिवल होता है ठीक है यानी ये नंबर भी सेवन से डिवेल होगा चाहे आप डिवाइड करके देख लीजिए अगर मान लो फोर डिजिट का नंबर आ जाए जैसे फाइव फोर थ्री टू आप किसको को कैसे चेक करेंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे फाइव फोर थ्री में टू का डबल यानी फोर माइनस किया क्या मिले आपको फाइव थर्टी नाइन फिर आप फाइव थर्टी नाइन चेक करेंगे सेवन सी से डिबेल है कि नहीं है नहीं तो आ, आप रूल दोबारा से इसमें लगा सकते हैं ठीक है जैसे फिफ्टी थ्री में से मैंने नाइन का डबल एट्टीन माइनस किया तो 53 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 35 और 35 फाइव सेवन से होता है यानी नंबर भी सेवन से होगा और चाहे तो आप डिवाइड करके देख लो इसको ठीक है लेकिन ये रूल बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर आप सेवन से डिवाइड कर सीधे सीधे डिवाइड कर दो तो सेवन से तो भी आपको इतना ही टाइम लगेगा ठीक है नेक्स्ट है डिबिलिटी रूल ऑफ एट िटी रूल ऑफ एट अब डिविजिलिटी रूल रूल ऑफ एट कुछ कुछ हमारा फोर्स मिलता जुलता है जैसे टू से कैसे चेक करते थे टू से चेक करने का तरीका था कि जो लास्ट डिजिट है वो ईवन होनी चाहिए यानी वो टू से रिवल होना चाहिए फोर्स अब फोर क्या होता है टू का स्क्वायर होता है तो उसमें हमने लास्ट टू डिजिट देखा एट क्या होता है टू का क्यूब होता है तो इसमें हम क्या देखेंगे लास्ट थ्री डिजिट देखेंगे अगर किसी नंबर की लास्ट थ्री डिजिट से बनने वाला नंबर ठीक है जैसे मैंने आपसे बोला कि फाइव थ्री टू फोर एट वन टू ये नंबर एट से डबल होगा कि नहीं होगा तो आपको क्या देखना लास्ट थ्री डिजिट देखना है ठीक है इसकी लास्ट थ्री डिजिट की बात करें तो एट वन टू अगर ए नंबर है ना? ए नंबर अगर एट से डबल होगा तो ये पूरा नंबर भी एट से डबल होगा तो करके देख लीजिए एट वन टू को आप डिवाइड करके एट वन टू होगा, ठीक है तो ए नंबर भी एट से डिविजिबल नहीं होगा हाँ टू की जगह मैं टू की जगह अगर यहाँ पर 6 कर अब एट वन सिक्स को आप एट से डिवाइड कीजिए एट वन सिक्स एट से डिवाइड हो जाएगा ठीक है अगर एट वन सिक्स मतलब अगर लास्ट थ्री डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर भी एट से डिविजिबल होगा ठीक है तो होता है हमारा एट का रूल आप लिखना चाहें लिख सकते हैं इफ लास्ट थ्री डिजिट ऑफ अ नंबर बाय देन नंबर इज डिविजिबल बाय नेक्स्ट आते हैं डिविल रूल ऑफ नाइन पर नाइन का वही है जो कि थ्री का है उसमें क्या होता है उसमें सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय थ्री होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय नाइन होना चाहिए ठीक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इफ सम ऑफ डिजिट्स of a number divided by 8 so divided by 9 then number is divided by

प्लस नाइन बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अब देखो नाइन्टी नाइन ए नाइन सी डिवेल होगा क्यों डिविजल होगा क्योंकि नाइन्टी नाइन नाइन का मल्टीपल है इस तरह से नाइन बी नाइन सी डिवेल होगा क्यों डिविजल होगा क्योंकि नाइन नाइन का मल्टीपल होता है है ना कोई भी नंबर अपने आप का मल्टीपल तो होता ही है यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर नाइन से डिवेल होगा तो ये नंबर भी नाइन से डबल होगा ठीक है अच्छा चलिए अब हम आते हैं डिविजिल्टी रूल ऑफ टेन पर तो सभी को पता होगा डिवीज रूल ऑफ टेन क्या होना चाहिए कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट क्या है जीरो है तो वो नंबर टेन सेवल होगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट रूल नहीं है हमारे लिए नेक्स्ट आते हैं डिविजल्टी रूल ऑफ एलेवन पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कुछ नहीं से पूछे आते हैं डिविजल्ट रूल ऑफ एलेवन ठीक है डिविजल्टी रूल ऑफ एलेवन देखो 11 को कैसे याद रखोगे जैसे हम 11 की बात करें तो इसमें आपको देखना है सम ऑफ या इसको ऐसे लिखता हूं डिफरेंस डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ़ अल्टरनेट प्लेस डिजिट ऑल्टरनेट प्लेस डिजिट्स ठीक है अभी इसको और क्लियर कर देते हैं डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट प्लेस डिजिट्स आइदर जीरो ठीक है और मल्टीपल ऑफ इलेवन और मल्टीपल ऑफ एलेवन ठीक है और मल्टीपल ऑफ एलेवन अब देखो इसका क्या मतलब है जैसे मैंने आपसे बोला थ्री टू फाइव नाइन फोर एट वन मैंने पूछा क्या नंबर एलेवन से डिबेल होगा तो कैसे चेक करोगे आप देखो सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट प्लेस डिजिट पहले तो ऑल्टरनेट प्लेस डिजिट का हम सम निकालेंगे जैसे फाइव थ्री फोर थ्री फाइव फोर वन है ना अल्टरनेट लेना है आपको एक छोड़कर तो थ्री फिर फाइव फिर फोर फिर वन इनका सम देखो कितना है तो पांच तीन आठ चार बारह और तेरह ठीक है इनका सम क्या है तेरह है यहां पर देखो दोनों ग्यारह और आठ ग्यारह और आठ कितना हो जाएगा उन्नीस तो यहां पर उन्नीस है अगर उन्नीस में से मैंने तेरह को माइनस किया उन्नीस में से मैं तेरह को माइनस करूंगा मुझे क्या मिल रहा है छ मिल रहा है जबकि मैंने क्या बोला आइडर जीरो और मल्टीपल ऑफ एलेवन होना चाहिए या तो वो जीरो हो या फिर मल्टीपल ऑफ एलेवन हो ठीक है लेकिन यहाँ तो क्या मिल रहा है आपको सिक्स मिल रहा है तो यानी ये नंबर एलेवन सडिबेल नहीं होगा ठीक है अगर आपको जीरो मिल जाता है यहाँ पर एलेवन मिल जाता या फिर आपको ट्वेंटी टू मिल जाए मल्टीपल ऑफ एलेवन थर्टी थ्री मिल जाए तो नंबर एलेवन स्टेल हो जाएगा चलो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसमें मैं क्या कर देता हूँ इसमें यहाँ पर हम पुट कर देते हैं फाइव ठीक है फाइव पुट कर दिया मैंने यहाँ पर तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दो नौ ग्यारह आठ उन्नीस और चार चौबीस यानी यहाँ पर आएगा फिर चौबीस अब मैंने चौबीस में से तेरह माइनस किया तो मुझे क्या मिला मुझे मिला एलेवन ठीक है जो कि मल्टीपल ऑफ इलेवन है यानी नंबर भी एलेवन से डिडल होगा आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं इसको ठीक है तो ये हो गया आपका एलेवन का डिविजल्टी रूल अब आप ट्वेल्थ से चेक करना है फिफ्टीन से चेक करना है एटीन से चेक करना है ट्रैल नंबर छोड़ दीजिए ठीक है थर्टीन सेवनटीन ट्वेंटी थ्री इनके लिए कोई हमारे पास स्पेशल रूल नहीं है जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी रूल है वो सच्चा आप इसको डिवाइड करके देख लें ठीक है लेकिन प्राइम नंबर को छोड़ दें अगर हम जैसे हम बात करते हैं किसकी हम एटीन की बात करते हैं हम ट्वेंटी फोर की बात करते हैं हम ट्वेंटी वन की बात करें ठीक है ट्वेंटी सेवन की बात करें ट्वेंटी एट की बात करें थर्टी थ्री की बात करें तो देखो जो प्राइम नंबर नहीं है तो आपको क्या करना जैसे सबसे पहले बात करते हैं ट्वेल्थ की ट्वेल्थ से कैसे चेक करोगे कोई नंबर डिजल्ट होगा या नहीं होगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले ट्वेल्व को लिखना है को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में अभी को प्राइम क्या होते हैं को प्राइम मतलब ऐसे ऐसे, ऐसे नंबर जिनमें कुछ कॉमन ना हो ठीक है या जिनका कॉमन फैक्टर वन हो ऐसे ही बोल सकते हैं टू नंबर्स आर कोल्ड को प्राइम नंबर इफ दे आर कॉमन फैक्टर इज ऑनली वन ठीक है अब देखो जैसे ट्वेल्व को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ ट्वेल्व को मैं सिक्स इंटू टू भी लिख सकता हूँ और थ्री इंटू फोर भी लिख सकता हूँ ठीक है लेकिन सिक्स इंटू टू से हम डिविजिबिलिटी रूल मतलब इसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं बना पाएंगे क्यों नहीं बना पाएंगे क्योंकि सिक्स और टू में टू कॉमन है जबकि मैंने क्या बोला इनको को प्राइम होना चाहिए वो केवल फोर इंटू थ्री को प्राइम है ठीक है अब अगर फोर इंटू थ्री को प्राइम है तो देखो आपको क्या करना है मुझे चेक करना है कोई नंबर ट्वेल्थ से डिवेल्व होगा कि नहीं होगा पहले तो आप पहले तो आपने ट्वेल्व को क्या किया को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया थ्री इंटू फोर लिख दिया एटीन की बात करें तो आप टू इंटू नाइन लिख सकते हो ट्वेंटी फोर की बात करें तो थ्री इंटू एट लिख सकते हो प्राइम होना चाहिए कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए तो देखो थ्री का भी रूल आपको पता है बात समझा रही है ठीक है अगर कोई नंबर ट्वेल्थ से वो नंबर फोर से होने का मतलब क्या है सम ऑफ फोर होना चाहिए फोर से डिबल होने का मतलब क्या है लास्ट टू डिजिट्स से जो बनने वाला नंबर है वो फोर से डिबल होना चाहिए ठीक है जैसे हम एटीन की बात करें तो एटीन को हम कैसे लिख सकते हैं अब एटीन को लिखने के लिए हम सिक्स इंटू भी लिख सकते हैं लेकिन सिक्स इंटू से आपका रूल नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि सिक्स और थ्री में तो थ्री कॉमन है ठीक <coughs> है इसको हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे टू इंटू नाइन अगर कोई नंबर नाइन से डिवल है अब एक को प्राइम है अगर कोई नंबर नाइन से डिवल है और टू से भी डिवल है तो नंबर एटीन से डिबिल होगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हम जैसे और नंबर ले लेते हैं ट्वेंटी फोर आप ट्वेंटी फोर को हम सिक्स इंटू फोर भी लिख सकते हैं ठीक है ट्वेल्व इंटू टू भी लिख सकते हैं लेकिन दोनों ही को प्राइम नहीं है सिक्स और फोर में टू कॉमन है और ट्वेल्व और टू में भी टू कॉमन है यानी ऐसा नहीं लिखना है ना ही ऐसा लिखना है कैसे लिखेंगे आप इसको थ्री इंटू एट अगर कोई नंबर ट्वेंटी फोर सिविल होगा तो नंबर थ्री शेड्यूल होगा वो नंबर एट शेड्यूअल होगा ठीक है और बात करते हैं हम जैसे थर्टी थ्री कैसे लिखेंगे इसको हम थ्री इंटू अलेवन थर्टी सिक्स कैसे लिखेंगे फोर इंटू नाइन ठीक है फोर्टी फोर कैसे लिख सकते हैं फोर इंटू अलेवन ठीक है फोर्टी फाइव कैसे लिख सकते हैं फाइव इंटू अलेवन ठीक है तो आपको क्या करना है फाइव इंटू इलेवन का चाहिए पर है है ना ठीक तो क्या हुआ अगर कोई नंबर फोर्टी फोर से है, तो नंबर फोर डिवेल होगा वो नंबर इलेवन से होगा अगर मैं और बड़ा नंबर ले लू वन थर्टी टू तो देखो वन थर्टी टू को कैसे लिख सकते हैं आप इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में तोड़ दीजिए ठीक है या प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं जिनका रूल आपको पता है उसमें तोड़ सकते हैं ठीक है तो 132 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 132 की अगर बात करें तो 132 का हाफ होता है 66 यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 न, 132 12 13 होता है ना 132 12 13 तो 132 को क्या लिख सकता हूं 3 into 4 into थर्टीन सारे को प्राइम है मतलब इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है ठीक है ना तो अगर कोई नंबर वन थर्टी टू सेड्यूअल होगा तो वो तो नंबर थ्री सेडल होगा वो नंबर फोर से ड्यूअल होगा और वो नंबर थर्टीन से भी शायद थोड़ा सा गलत लिखिए वन थर्टी टू हाँ थर्टीन नहीं आना चाहिए यहाँ पर एलेवन आना चाहिए है ना ट्वेल्व इंटू अलेवन होता है हाँ तो थ्री इंटू फोर इंटू अलेवन अगर कोई नंबर वन थर्टी टू से डुअल होगा तो नंबर थ्री से डूएल होगा वो नंबर फोर से ड्यूअल होगा और वो नंबर 11s डिविज़िबल होगा अब आपको 3 का भी रूल पता है 4 का भी रूल पता है 11 का भी रूल पता है लगा दीजिए ठीक है आपका आंसर निकल आएगा तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग ठीक है डिविज़िबल टू रूल पर बेस्ड ओके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपको एक नंबर दिया है वन नाइन सेवन ए ठीक है फाइव फोर सिक्स टू मैंने आपसे बोला दिस नंबर इज डिबल बाय नाइन ठीक है ये नंबर नाइन से डिबल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ठीक क्वेश्चन कैसे आएगा इफ द नंबर नंबर आपके सामने लिखा है इज डिबल बाय नाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ठीक है हो सकता है एक के बारे में आपको बता दिया जाए कि हेयर इज सिंगल डिजिट नंबर सिंगल डिजिट हेयर इज सिंगल डिजिट नंबर ठीक है तो एक क्वेश्चन है आपका अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको नाइन का रूल पता ही है नाइन का रूल क्या होता है सम ऑफ नाइन होना चाहिए ठीक है तो लगा दी इसमें वन प्लस नाइन प्लस सेवन प्लस ए प्लस फाइव प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस टू ठीक है ऐड कर दी सबको तो वन नाइन टेन टेन प्लस सेवन सेवनटीन सेवनटीन प्लस फाइव ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस फोर ट्वेंटी सिक्स थर्टी टू थर्टी फोर है ना सही ना वन प्लस नाइन टेन टेन प्लस सेवन सेवनटीन सेवनटीन प्लस फाइव ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्स थर्टी टू थर्टी फोर ठीक है थर्टी फोर प्लस ए अब देखो ए यहाँ पर क्या है एक डिजिट है तो डिजट डिजिट कॉमन सी बात है कहाँ से कहाँ तक जाएगी जीरो से लेकर नाइन तक अब ऐसा नहीं कि ए का आपने बोला कि फोर्टी फाइव डिजिटल होता है तो ए इक्वल टू क्या हो गया जीरो से लेकर नाइन तक है ना उसको ऐसे रखना चाहिए ए की जो वैल्यू होगी वो जीरो टू नाइन होगी ठीक है अब देखो ऐसा नहीं कि आपको ए आपने बोला ए की वैल्यू क्या है एलेवन अलेवन नहीं देना है आपको है ना क्योंकि इलेवन तक जाएगी नहीं ये ए के बारे में बताएगा एक डिजिट्स है ठीक है एक डिजिट है तो अगर एक डिजिट है तो 34 में हम क्या ऐड कर दें जीरो टू नाइन के बीच में ऐड करना है तो 34 में हम क्या ऐड करेंगे इसको नाइन का मल्टीपल बनाने के लिए 34 फोर प्लस टू दिस इक्वल टू निकल लगाएगा थर्टी सिक्स यही हमारा आंसर हो जाएगा तो ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है देखो इसमें क्या दे रखा हमको आपको नंबर दे रखा है सेवन सेवन इफ द नंबर सेवन सेवन फोर नाइन फाइव एट ए नाइन सिक्स पी इज डिबल बाय सेवनटी टू नंबर 72 टू से डिबेल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ए प्लस बी की देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू है ना पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इसके बाद आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं ठीक है अब आपको देखना है क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि तो देखो पहले तो सेवनटी टू को हम उसके को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे क्या लिख सकते हैं हम इसको सेवेंटी टू को लिखने के लिए हम ट्वेल्व इंटू सिक्स भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन ट्वेल्व और सिक्स ट्वेल्व और सिक्स को प्राइम तो नहीं है तो को सिक्स ट्वेल्व इंटू सिक्स नहीं लिखना है क्या लिखेंगे हम एट इंटू नाइन एट नाइन या सेवेंटी टू होता है देख लीजिए को प्राइम है दोनों में कॉमन वन है केवल अब अगर सेवनटी अगर ये नंबर सेवेंटी टू से ड्वेल है तो नंबर एट से भी डि एट से भी डिजल होगा और नंबर नाइन से डिजल होगा एट का डिबल रूल आपको पता है हमें केवल लास्ट थ्री चेक करना है यानी नाइन सिक्स बी को ही चेक करना है नाइन सिक्स बी को मैं एट से डिवाइड करके देखता हूँ नाइन सिक्स बी बी बना हुआ है ठीक है नाइन सिक्स बी ठीक है इसको मैंने एट से डिवाइड किया एट बन जाए एट बना गया यहाँ पर यहाँ सिक्स ले लेंगे एट टू जाए सिक्सटीन ठीक है कैंसिल अब एक केवल बी बचा अब अगर बी को एट से डिविजल होना है तो बी इक्वल टू क्या हो सकता है या तो बी इक्वल टू हो सकता है जीरो हो जाए है ना बी की वैल्यू हम जीरो ले सकते हैं तो उसकी इसमें नाइन सिक्सटी एट से डिजल होगा या फिर बी की वैल्यू आप एट भी ले सकते हैं अगर बी इक्वल टू एट होगा तो भी डिवाइड हो जाएगा नाइन सिक्सटी एट भी डिवाइड हो जाएगा तो बी के लिए दो पॉसिबल वैल्यू हैं या तो बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए या फिर बी इक्वल टू एट होना चाहिए ठीक है चलिए अब हम दोनों पे चेक कर लेते हैं इफ बी इक्वल टू जीरो अगर बी इक्वल टू जीरो है तो क्या मिलेगा हमको सेवन सेवन फोर नाइन फाइव एट ए नाइन सिक्स बी की जगह मैंने जीरो रख दिया ठीक है अब देखिए सम देखिए, अब इसको नाइन से डिविजिबल हो, होना चाहिए अगर ये से है, तो सम से डिविजिबल होना चाहिए करके देखते हैं इसको तो सेवन सेवन कितना हो गया फोर्टीन 14, 14 प्लस फोर एटीन एटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव कितना थर्टी टू थर्टी टू प्लस एट फोर्टी फोर्टी प्लस नाइन फोर्टी नाइन और प्लस सिक्स फिफ्टी फाइव है ना? फिफ्टी फाइव प्लस ए एक बार चाहे तो फिर से चेक कर सकते हैं आप लोग ठीक है फिफ्टी फाइव प्लस ए ही आ रहा है ना चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं एटीन प्लस सॉरी यहाँ तक एटीन एटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव थर्टी टू फोर्टी फोर्टी नाइन ठीक है फिफ्टी फाइव अब अगर इसको नाइन से ट्वेल होना चाहिए तो इक्वल टू क्या होना चाहिए अब देखो ये डिजिट है की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है जीरो से लेकर नाइन तक जा सकती है तो फिफ्टी फाइव में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूँ जिससे हमें जो जो ये सब मिले मतलब फिफ्टी फाइव प्लस एक का वो क्या हो जाए नाइन से डवेल होना चाहिए हो जाए तो 55 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं है ना अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा और सिक्सटी थ्री हमें पता है नाइन से ट्वेल्व डिवाइड हो जाता है तो एक तो आपका अगर मैं b इक्वल टू जी जीरो लेता हूं तो a इक्वल टू एट लेना पड़ेगा उस केस में a प्लस बी एट हो जाएगा अगर हमको ऑप्शन में दे रखा है तो हम उस पर टिक कर सकते हैं अब दूसरा केस देखिए कि अगर मैंने b इक्वल टू एट ले लिया ठीक है क्योंकि b की वैल्यू एट भी हो सकती है अगर बी इक्वल टू एट ले लें तो देखो यहीं पर कर देता हूँ अगर मैं बी इक्वल टू एट लेता हूँ तो यहाँ भी एट हो जाएगा और फिफ्टी फाइव में एट ऐड और हो जाएगा फिफ्टी फाइव में एट ऐड होगा तो उससे यहाँ पर सिक्सटी थ्री हो जाएगा सिक्सटी थ्री अब सिक्सटी थ्री तो ऑलरेडी नाइन का मल्टीपल है तो ए की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ सिक्सटी थ्री प्लस ए को नाइन से डिवाइड होने के लिए ए की वैल्यू क्या ले सकता हूँ या तो आप एक की वैल्यू जीरो ले सकते हैं या फिर एक की वैल्यू नाइन ले सकते हैं और नाइन ले सकते हैं तो पॉस ए प्लस बी का पॉसिबल सम क्या हो जाएगा अगर मैंने बी इक्वल टू जीरो लिया तो एक्वल टू मुझे एट लेना पड़ेगा यानी ए प्लस बी आपका एट होगा अगर आपने बी इक्वल टू एट लिया तो ए इक्वल टू या तो आप जीरो लो या फिर नाइन लो जीरो लोगे तो अगेन सम तो आपका एट ही रहेगा लेकिन अगर आप नाइन लेते हो तो सम आपका सेवनटीन हो जाएगा अब हो सकता है कि आपको एट ऑप्शन ना दिया हो सेवनटीन ऑप्शन दे रखा हो तो सेवनटीन पे टिक करना है और हो सकता है मल्टी कलेक्ट करेक्ट में ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको एट ऑप्शन भी दे रखा होगा सेवनटीन ऑप्शन भी दे रखा होगा तो आपको दोनों पर टिक करना होगा फिर ठीक है मल्टी करेक्ट क्वेश्चन भी वैसे एन या किसी मतलब केवल जेई एडवांस में ही मल्टी करेक्ट पूछे जाते हैं लेकिन हो सकता है कभी आपको ऐसा कोई एग्जाम देने को मिल जाए जिसमें मल्टी करेक्ट क्वेश्चन दिए हो ठीक है तो दो ऑप्शन दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं चलिए चलिए एक क्लास क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन अच्छा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है नंबर दे रखा इफ द वैल्यू सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन इफ एम थ्री नाइन जीरो फोर एट फोर फाइव एट एन ठीक है थ्री नाइन जीरो फोर एट फोर फाइव एट एन ठीक है इस डिविल्वाय 88। अगर ये नंबर 88 से डिविल है, तो हमें बताना है m और n की वैल्यू क्या होगी। तो पहली अप्रोच तो क्या होगी 88 को इसका आप को-प्राइम नंबर में के प्रोडक्ट में तोड़ दीजिए। तो कैसे लिख सकते हैं 88 को? हम 88 को लिख सकते हैं 8 इनटू 11, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? 8 11. अब अगर ये नंबर 8 से डिविजेबल है तो नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए ना तो अब आपको 8 का रूल तो पता ही है क्लास थ्री डिजिट देखना है केवल हमको 58n तो 58n इसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 7 जा 56 2 बचा 2n आ गया है ना अब मैं कहूं n की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो अगर हम देखें तो n हमें पता है 0 से लेकर 9 के बीच में जाएगा ठीक है एन एक डिजिट है तो एन की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ कि जो टू एन जो नंबर है वो एट से डिवेल हो जाए तो क्या हो सर ले सकते हैं हम यहाँ पर केवल एक ही पॉसिबिलिटी हमारे लिए कि हम एन इक्वल टू क्या ले लें फोर ले फो लें ले. अगर आप एन इक्वल टू फोर ले लेंगे ले ले, ट्वेंटी फोर बन जाएगा और ट्वेंटी फोर एट से डिवाइड हो जाता है ठीक है तो एन तो पता चल गया एन इक्वल टू क्या होना चाहिए एक ही वैल्यू मिल रही है हमें एन की वो है फोर अब हम इसमें एलेवन वाला रूल लगा देते हैं एलेवन वाला रूल क्या बोलता है हमको सम ऑफ ऑल्टरनेट डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टर प्लेस डिजिट या तो जीरो होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ एलेवन होना चाहिए तो ऑल्टरनेट प्लेस को ऐड करते हैं ठीक है तो नाइन प्लस फोर थर्टीन थर्टीन प्लस फोर सेवनटीन सेवनटीन प्लस एट ट्वेंटी फाइव यानी ये मिला हमको ट्वेंटी फाइव प्लस एम ठीक है अब नेक्स्ट इसको देखिए इस अब फिर से प्लेस लो तो थ्री प्लस जीरो जी थ्री रहेगा प्लस एट तो थ्री में आपने एट एट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा एलेवन एलेवन प्लस फाइव एलेवन प्लस फाइव हो जाएगा आपका सिक्सटीन और सिक्सटीन प्लस फोर क्या निकल के आएगा ट्वेंटी ये निकल के आएगा ट्वेंटी अब या तो जीरो हो या फिर मल्टीपल ऑफ एलेवन हो लेकिन अगर मैं इक्वल टू जीरो लेता हूँ इसको अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो लेता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा यहाँ से ठीक है वो क्या मिलेगा? मिलेगा वो मिलेगा एम इक्वल टू माइनस फाइव ठीक है ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी माइनस होगा तो फाइव बच्चे का फाइव कहाँ ट्रांसपोर्ज करोगे तो एम इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस फाइव तो एम अब डिजिट माइनस में तो हो नहीं सकती तो हमें जीरो नहीं लेना है तो हम दूसरा चेक करते हैं मैंने क्या बोला जीरो होना चाहिए या फिर मल्टीपल फ़िलेवन होना चाहिए तो हम चेक करेंगे एलेवन पर अब हमने एलेवन पर चेक किया तो ये जो फाइव बचेगा का हमारा ट्रांसपोर्स होगा तो एम इक्वल टू आ जाएगा एलेवन माइनस फाइव यानी कि सिक्स तो एन की वैल्यू फोर होनी चाहिए और एम की वैल्यू सिक्स होनी चाहिए ठीक है तो चलिए इस लेक्चर में इतनी डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फाइंड द यूनिट डिजिट इन एनी प्रोडक्ट ठीक है तो वो नेक्स्ट लेक्चर छोटा सा लेक्चर होगा हमारा ठीक है तो चलिए तो अभी हमारा डिविजिबिलिटी रूल अब ख़त्म हो चुका है ठीक है इसका असाइनमेंट आपको एक दिन मिल एक दो दिन मिल जाएगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ठीक है